हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरोमेटिसिटी। बेसिकली व्हाट एरोमेटिसिटी क्या होती है और कैसे हम कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते हैं, राइट? सो इससे रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमको पहले इंट्रोडक्शन उसका होना चाहिए। ओके, लेट्स बिगिन विद दिस। सो एरोमेटिसिटी बेसिकली जो है एक प्रॉपर्टी है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में होती है, स्पेशली एरोमेटिक कंपाउंड्स में, राइट? और बिकॉज ऑफ अट एरोमेटिसिटी, एक तो सबसे पहले उन कंपाउंड्स को क्या मिलता है, हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी। सो दैट कंपाउंड हैज हाई डिग्री ऑफ द स्टेबिलिटी। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच हैव द एरोमेटिक कंपाउंड्स। और दीज कंपाउंड स्पेशली एरोमेटिसिटी इज रिलेटेड विद द एरोमेटिक कंपाउंड। लेट्स एग्जाम्पल बेंजीन। बेंजीन जो है ये एडिशन रिएक्शंस कभी नहीं दिखाता है, ये सिर्फ दिखाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में कौन से दिखाना चाहिए इसने? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज हियर बेंजीन जो है इट हैव पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अबव एंड बिलो द रिंग अगर हम कंसिडर करते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है बेसिकली एज ए काम करता है न्यूक्लियोफाइल का। सो बेसिकली दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज वर्क्ड एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड दैट्स व्हाई इट रिएक्ट्स विद द इलेक्ट्रोफिलिक वन। किस साथ रिएक्ट करेगा ये? इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल के साथ। दैट्स व्हाई दीज कंपाउंड शो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये आसानी से दिखाता है। अगेन इट इज नॉट पार्टिसिपेट विथ द सम अदर रिएक्शंस लाइक एडिशन रिएक्शन जैसे मैंने आपको बताई। और अब इसमें तो अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। जनरली हम प्रैक्टिकल में एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है अनसैचुरेशन टेस्ट, जो ब्रोमीन वाटर के साथ की जाती है। सो बेंजीन कैनॉट रिएक्ट विथ द ब्रोमीन वाटर नाउ, यानी कि बेंजीन जो है वो डिक्लराइज नहीं करता है ब्रोमीन वाटर सोल्यूशन को। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट मीन्स योर पाई बॉन्ड्स आर नॉट अफेक्टेड, राइट? और एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं सो बेसिकली दे ओबे द हकेल रूल। क्या करते हैं? ओबे द हकेल रूल। ओके, तो हकेल रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए कि कोई कंपाउंड आपका जो है वो साइक्लिक होना चाहिए, वो प्लानर होना चाहिए, वो कॉन्जुगेशन वाला होना चाहिए, राइट? ओके, सो दैट मीन्स द कंपाउंड शुड बी अ साइक्लिक, द कंपाउंड शुड बी अ प्लानर। ओके, हकेल रूल के हिसाब से सबसे पहले इट शुड बी हैव अ कॉन्जुगेशन। इसका मतलब अल्टरनेशन ऑफ अ सिंगल एंड डबल बॉन्ड, दैट इज अगेन sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है? और एक उसमें खास बात यह है कि वो ओबे करना चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। ओके, दैट इसका मतलब क्या होना चाहिए कि n जो है आपका वो आप 0, 1, 2, 3 स्टार्ट से ले सकते हैं वहाँ पे, दैट इज एन एरोमेटिक इन नेचर। ओके, सो ये कुछ इंट्रोडक्शन आपके रहने चाहिए एरोमेटिसिटी के रिलेटेड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है जो एरोमेटिक कंपाउंड में होती है वो है आपका कि बेसिकली दे हैव डायमैग्नेटिक करंट नाउ। अब एग्जांपल हमने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम क्या निकाल सकते हैं कि रिंग करंट जो होता है बेसिकली एक प्रॉपर्टी है जो एरोमेटिक कंपाउंड्स की होती है। व्हाट इज द रिंग करंट नाउ? बेसिकली अगर हम देखेंगे यहाँ पे, सो बेंजीन जो है, लुक एट दिस बेंजीन नाउ, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड लगा हुआ है आपका। ओके, लेट्स एग्जांपल अगर हम फ्लैट रिंग कंसिडर करते हैं, अबो एंड बिलो द रिंग इज देयर नाउ। ओके, और अबो और बिलो द रिंग है आपके पास एंड सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर नाउ। सो बेसिकली व्हाट हैपन नाउ इन अबो एंड बिलो द रिंग, यहाँ पे क्या होता है, रिंग करंट जनरेट हो रहा है आपका, और वो हम बेसिकली जो प्रॉपर्टी है वो हम निकालते हैं एनएमआर से, और इसको बोला जाता है डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी नाउ। सो दी एनएमआर विद द हेल्प ऑफ एनएमआर ये हम निकाल सकते, राइट? वन अदर कंडीशन फॉर द एरोमेटिसिटी इज द कार्बन विच इज प्रेजेंट इन दैट रिंग, इट शुड बी sp2 और व्हाट, sp हाइब्रिडाइज्ड। ओके, मैक्सिमम केसेस में sp2 रहेगा और sp होगा आपका, और जिस वजह से इस मॉलिक्यूल को बेसिकली स्टेबिलिटी ज़्यादा मिल जाती है। सो इसीलिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी नाउ।
क्योंकि इसके जो मॉलिकुलर और ऑर्बिटल्स होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स की वजह से इसको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। अब इसे कुछ एग्जांपल देखते हैं कि जो एरोमेटिक है और जो कंपाउंड बेसिकली हम जिनको एरोमेटिसिटी जो ओबे करते हैं वो हम कंपाउंड देखें। सबसे पहला एग्जाम्पल जो है आपका वो है बेंजीन, राइट। सो बेसिकली जो है यहाँ पे ये एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पे अगर हम फार्मूला लगाते 4n+2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। सो वेयर एन इज इक्वल टू 1 कंसिडर कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले सकते हैं अपन, जिसको हम बोलेंगे साइक्लोप्रोपिल कैटायन, ओके, प्रोपिलीन कैटायन। लेट्स एग्जांपल, ये भी कंपाउंड आपका जो है एरोमेटिक है, सो इट ऑल्सो ओबे द 4n+2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एक और एग्जांपल देख सकते हैं अपन, साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन, लुक एट दिस एग्जांपल, ओके, यहाँ पे। और ये एग्जांपल भी जो है 4n+2π इलेक्ट्रॉन में जाएगा। और एग्जांपल है आपका साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल कैटायन, ओके, इट इज आल्सो व्हाट द एरोमेटिक कंपाउंड। सो ये कुछ एग्जांपल है, ओके, जो एरोमेटिसिटी ओबे करते हैं या एरोमेटिक कंपाउंड जिनको हम बोल सकते हैं, राइट। सो बेसिकली अगर हम स्टेबिलिटी से रिलेटेड बात करते हैं तो एरोमेटिसिटी जिन कंपाउंड में होती है, जो कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, सो लेट्स से एरोमेटिसिटी जिन कंपाउंड्स में होती है, सो उनमें रेजोनेंस एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होती है। सो दे प्रोपोर्शनल टू व्हाट द रेजोनेंस एनर्जी, ओके। और एक हम लगा सकते हैं कि दे आर प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, दे आर प्रोपोर्शनल टू व्हाट द स्टेबिलिटी, ओके। सो बेसिकली दिस इज अ रिलेशनशिप, बता सकते हैं हम कि एरोमेटिक कंपाउंड अगर कोई होगा तो उसकी जो एनर्जी है वो रेजोनेंस एनर्जी उसके साथ प्रोपोर्शनल रहेगी और स्टेबिलिटी भी आल्सो उनमें ज़्यादा रहेगी, ठीक है। जिसकी जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी रहेगी उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी जो है वो ज़्यादा हो सकती, राइट। अब कुछ एग्जांपल है जो रेजोनेंस एनर्जी से रिलेटेड एग्जांपल है। सबसे पहला अपन एक एग्जांपल लेते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसको हम बोलेंगे पायरोल, ओके। लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द पायरोल, दिस इज व्हाट पायरोल। नेक्स्ट एग्जांपल जो है मैं लेता हूँ यहाँ पे थायोफिन, सो ऑल्सो वन अदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और है मेरे पास फ्यूरॉन, ठीक है। ये हमने तीन ऐसे कंपाउंड लिए जो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है और हम कंपेयर करेंगे इन पांचों कंपाउंड को उनके रेजोनेंस एनर्जी के साथ में। सो रेजोनेंस एनर्जी कैसे स्टेबिलिटी उस कंपाउंड की बढ़ाती है ये हमको देखना है, राइट। चलिए अब बात करते हैं रेजोनेंस एनर्जी। सो रेजोनेंस एनर्जी जो है वो एक एनर्जी है वो जिसको हम किलो कैलोरी में काउंट करते हैं, राइट। जैसे मान लेते हैं किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। नाउ लेट्स से इन पायरोल योर फर्स्ट कंपाउंड में है वो है 21 किलो कैलोरी पर मोल, थायोफिन में है आपका 29, इन केस ऑफ द फ्यूरॉन इट इज 16, इन केस ऑफ व्हाट बेंजीन इट इज 36, एंड इन द केस ऑफ व्हाट पिरिडीन इट इज 32 किलो कैलोरी पर मोल। अगर हम इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, राइट, तो यहाँ से समझ में आता है कि किस कंपाउंड की जो है स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा रही, राइट, ओके। तो ये कुछ इंट्रोडक्टिव पार्ट आपका रहा अबाउट द व्हाट योर एरोमेटिसिटी ना। सो हकेल रूल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू डिसाइड द एरोमेटिक कैरेक्टर। सो हकेल रूल के हिसाब से क्या क्या होना चाहिए, जैसे मैंने बताया आपको कि हकेल रूल जो है एक फॉर्मूला है जिस फार्मूले से कंपाउंड एरोमेटिक है या कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक है या कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक है, ये हम डिसाइड करते हैं, राइट। सो एक पॉपुलर रूल है जो केमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स के लिए। किन के लिए? दिस रूल इज एप्लीकेबल टू मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड, ओके, कंपाउंड। बेसिकली हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि एरोमेटिसिटी कैसे होगी किसमें, मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स में। और अकॉर्डिंग टू इस रूल के हिसाब से जैसे हमने कुछ कंडीशंस बताए कि वो कंपाउंड आपका कैसा होना चाहिए, इट शुड बी अ प्लेनर। कैसा होना चाहिए कंपाउंड? प्लेनर होना चाहिए, ओके, प्लेनर मोनोसाइक्लिक सिस्टम बोल सकते हैं उसको। और जहाँ पे कॉन्जुगेशंस हो, डीलोकलाइजेशन जिसको अपन बोलेंगे। और रूल है आपका 4n+2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम। लेट्स से n इज इक्वल टू जो है
वो आप ले सकते हैं 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 0 कब लेना है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे आपका ले लिया हमने ये वाला एग्जांपल, तो इस वाले एग्जांपल में लुक एट दिस एग्जांपल नाउ, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी होगी, वहाँ पे एन की वैल्यू होगी 0, राइट। पहले वाले एग्जांपल में कितना होगा, वहाँ पे एन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और बाकी के सारे एग्जाम्पल में 1 ही होगी, राइट। सो बेस्ड ऑन दैट एन ऑल्सो वी कैन प्रेडिक्ट द वेदर योर कंपाउंड इज एन एरोमेटिक बाई यूजिंग हकेल। ओके, चलिए अब यहाँ से हमको क्या करना है कि जनरली हम दो रूल यूज़ करते हैं इसके लिए। सो अगर हम मान लेते कि एन की वैल्यू 0 रखते हैं, व्हाट हैपन इफ आई पुट एन इज इक्वल टू 0, देन अब कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, बेंजीन है, नैप्थालीन है, फ्यूरन, पायरोल, थायोफिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो एन की वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं तो फार्मूला में क्या हो जाएगा, 4 × 0 + 2 π इलेक्ट्रॉन, इट इक्वल्स टू व्हाट, 2 π इलेक्ट्रॉन। मतलब 2 π इलेक्ट्रॉन मतलब वो एग्जाम्पल कौन सा है आपका, साइक्लोप्रोपिल केटायन, ये एग्जाम्पल आपका एरोमेटिक है अकॉर्डिंग टू हकेल। इफ आई पुट एन इज इक्वल टू 1, व्हाट हैपन, देन आपका फॉर्मूला हो जाएगा 4 × 1 + 2, सो पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इक्वल्स टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 6 π इलेक्ट्रॉन। नाउ बेंजीन द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट, ओके। यू कैन ऑल्सो टेक साइक्लो पेंटाडाइनिल एनायन, ये भी ले सकते हैं। वी कैन ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ साइक्लो हेप्टा ट्राइनिल केटायन एक्सेट्रा। इफ आई टेक एन इज इक्वल टू 2, व्हाट हैपन, 4 × 2 + 2 π इलेक्ट्रॉन, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 π इलेक्ट्रॉन सिस्टम। लेट्स एग्जाम्पल इज एन नैप्थालीन, ओके, वो भी एक एरोमेटिक है। उसके बाद अगर मैं एन की वैल्यू अगर 3 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 4 × 3 + 2 एंड व्हाट अबाउट दिस, पाई इलेक्ट्रॉन। सो कितना आ जाएगा आंसर आपका, 14 π इलेक्ट्रॉन। वन मोर एग्जाम्पल, एन इज इक्वल टू 4, सो 4 × 4 + 2 π इलेक्ट्रॉन, इट इक्वल्स टू 18 π इलेक्ट्रॉन। सो अब जो नंबर आप देख रहे हैं आपके सामने, जो नंबर लगे हुए हैं, कौन कौन से नंबर लगे हुए हैं, दिस इज 2 π इलेक्ट्रॉन, 6 π, 10 π, 18 π, ये अगर कोई कंपाउंड फॉलो करता है सो बेसिकली इट गोइंग टू बी कॉल्ड एज ए एरोमेटिक कंपाउंड, गॉट इट। चलिए नाउ लेट्स बिगिन विद द मेन टास्क ऑफ द टुडे सेशन। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, लेट्स से अगर मेरे पास 3-4 कंपाउंड दिए हैं, अब मुझे उसको क्लासिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट। सो पहला यहाँ पे टास्क रहेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड्स। अब किस में कम आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है आपको वेदर इट इज एन एरोमेटिक, ओके, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो हमारे पास ऐसी 3 चीज़ें हैं जो हम कंपाउंड को क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरोमेटिक कंपाउंड हम किसको बोलेंगे, उसके बाद हमारे पास है नॉन एरोमेटिक, राइट, नॉन एरोमेटिक, और तीसरा जो है हमारे पास जो है एंटी एरोमेटिक, ठीक है। सो पहला हो गया आपका एरोमेटिक, दूसरा हो गया नॉन एरोमेटिक, और तीसरा हो गया आपका एंटी एरोमेटिक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस, ओके। सो बेसिकली कंडीशन क्या है, सबसे पहले कंडीशन है साइक्लिक, चाहे आपका कोई भी कंपाउंड हो कंडीशन आपकी साइक्लिक रहेगी, राइट। यहाँ पर भी आप साइक्लिक ले सकते हैं और यहाँ पर भी आप साइक्लिक ले सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन तो तीनों में सेम है। अब नेक्स्ट जो है आपका टास्क है आपका डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपका कंटिन्यूस अल्टरनेशन ऑफ डबल बॉन्ड होना चाहिए, राइट, डी लोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर जो है और यहाँ पर, यहाँ पर आपको कंडीशन सेम है, डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट यहाँ पर जो है नॉन एरोमेटिक में ये कंडीशन नहीं होती, देर इज देर विल बी अ नो डी लोकलाइजेशन, ओके। यू मस्ट रिमेंबर दिस टू थिंग्स नाउ, डी लोकलाइजेशन यहाँ पे नहीं होता है। चलिए दो प्रॉपर्टी हो गए आपके, पहला कंपाउंड शुड बी अ साइक्लिक, और उसके बाद की जो कंडीशन है वो है आपकी डी लोकलाइजेशन।
उसके बाद हम बात करते हैं कि द कंपाउंड शुड बी अ प्लेनर, ये तो ज़रूरी है आपका। प्लेनर का मतलब क्या होता है कि आइदर वो sp2 हो, ठीक है, या फिर वो sp हो, ये दो कंडीशन है आपके पास, ठीक है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का सीधा सीधा है कि दे आर नॉन प्लेनर, मतलब उसके अंदर आपका क्या रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन रहेगा, वेरी सिंपल, ठीक है। नॉन प्लेनर का मतलब क्या होता है कि जो प्लेन में नहीं है, और sp2 क्या होते हैं, दे आर प्लेनर। इधर भी आपका जो सेम कंडीशन है कि कंपाउंड शुड बी अ प्लेनर, ठीक है, यानी कि उसमें या तो sp2 ले सकते हैं या तो फिर आप sp ले सकते हैं, ठीक है। अब फोर इंपॉर्टेंट जो रूल है, बहुत ही ज़रूरी रूल है, वो है हकेल रूल। और अकॉर्डिंग टू हकेल के हिसाब से क्या होता है, हकेल रूल क्या बताता है कि आप यहाँ पे जो है वो 4n+2π रूल आपको अप्लाई करना है, या अगर कोई कंपाउंड वो ओबे करता है तो वो हो गया एरोमेटिक, जहाँ पे n की वैल्यू होगी 0, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में हकेल का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसका मतलब हकेल रूल इज नॉट अप्लाइड, ठीक है। हकेल रूल क्या होगा आपका, अप्लाई नहीं होगा, नॉट अप्लाइड। और यहाँ पे आप हकेल रूल जो है वो यूज़ करते हैं 4n π इलेक्ट्रॉन सिस्टम या 4n π इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिंपली वी कैन कॉल्ड एज ए 4n π इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज अप्लाइड। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी आपकी, n की वैल्यू जो है यहाँ पे होगी 1, 2, 3। लुक एट द डिफरेंस, ओके, बिटवीन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। अब इसमें आपके पास एग्जांपल्स कैसे होंगे, नाउ लेट्स लुक एट द एग्जांपल ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड, जिसका एग्जांपल है बेंजीन, जिसका एग्जांपल कौन है आपका, बेंजीन। अगर हम बात करते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की, तो आप इसका एग्जांपल आप CO2 ले सकते हैं, यानी कि साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। और यहाँ पे एग्जांपल आप ले सकते हैं साइक्लो ब्यूटाडाइन। लुक एट द एग्जांपल विच आर गिवन हियर। और इस तरह से हम तीनों कंपाउंड को आसानी से जो है वो क्लासिफाई करते, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखेंगे अपन कि और उनकी स्टेबिलिटी कैसे होती है। सो अगर हम इन तीन कंपाउंड को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तीन कंपाउंड को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो एरोमेटिक कंपाउंड जनरली ज़्यादा स्टेबल होते हैं, फिर कौन आता है आपका, नॉन एरोमेटिक आता है, और फिर लास्ट में रहेगा आपका एंटी एरोमेटिक। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस एनर्जी की अगर हम बात करते हैं या स्टेबिलिटी की बात अगर करते हैं, तो एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, दे हैव अ हाईएस्ट स्टेबिलिटी, ओके। उसके बाद आपका जो आता है वो है नॉन एरोमेटिक, कौन आएगा उसके बाद, नॉन एरोमेटिक, और फिर लास्ट में आपका जो है वो कौन आता है आपका, एंटी एरोमेटिक। दिस इज व्हाट, एंटी एरोमेटिक। तो दिस इज व्हाट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एज वेल एज द रेजोनेंस एनर्जी। तो ये दोनों ऑर्डर आप ओबे कर सकते हैं, किसके लिए, एक तो आप रेजोनेंस एनर्जी से रिलेटेड बात कर सकते हैं, और एक तो आप जो है वो स्टेबिलिटी से रिलेटेड आप बात कर सकते हैं, ठीक है, इस हिसाब से। सो आपके पास कई सारे एग्जांपल्स हैं जिन एग्जांपल्स में आप ये अप्लाई कर सकते हैं। देर आर मेनी एग्जांपल्स आर देर, एन्यूलिन इज देर, ओके, और कई सारे पॉलिन्स भी होते हैं। पॉलिन्स में जैसे एग्जांपल आप जो पॉर्फिरिन रिंग वगैरह होता है हीमोग्लोबिन में, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपके पास कुछ एग्जांपल है जो 2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आते हैं। लेट्स एग्जांपल 2π वाले कौन कौन से हो सकते हैं, जिनमें सिर्फ एक पाई बाउंड वगैरह हो सकता है। सो 2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सो 2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब हो गया कि सबसे पहला तो आपको पता है ये वाला साइक्लोप्रोपिनिल कैटायन, ये वाला आपका 2π में जाएगा, ठीक है। इन एडिशन टू दैट हम ये वाला एग्जांपल ले सकते, ठीक है, ये वाला भी आपका 2π में जाएगा। इन एडिशन टू दैट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक ऐसी सिस्टम है, देखो लुक एट द एग्जांपल हियर, दिस इज ओ नेगेटिव, दिस इज ओ नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है और ये रहा मेरा कार्बोनाइल। अब इस कंपाउंड में अगर हम देखेंगे तो ये भी कंपाउंड आपका क्या है, 2π इलेक्ट्रॉन वाला है। और एक एग्जांपल है आपका साइक्लोप्रोपिनोन, ये वाला एग्जांपल।
तो ये तीनों एग्जाम्पल, चारों एग्जाम्पल जो दिए हैं, ये सब के सब एग्जाम्पल आपके कौन से वाले सिस्टम में आते हैं, टू पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि दे आर एरोमेटिक। गॉट इट? अब वाई दे आर एरोमेटिक नाउ, सो दे आर चार्जेस आर देयर। जैसे एग्जाम्पल ये टू पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये वाला आपका दो पॉजिटिव चार्ज चला गया, मतलब इसमें कोई कंसिडरेशन करना नहीं आपको, अगेन इट इज़ अ टू पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस कंपाउंड में क्या हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड लगा हुआ है यहाँ पे, और ये यू नो द कार्बोनिल केमिस्ट्री, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, इसका मतलब ये पहले के जैसा हो रहा है, ये इसके जैसा, सो बेसिकली इट इज़ टू पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे अगेन इट इज़ अ टू पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये चार एग्जाम्पल जो है आप कंसिडर कर सकते हैं टू पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। ओके, गेट वन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना है आपको, दैट इज कॉल्ड एज अ फोर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अभी फोर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब कौन से, जो फोर एन प्लस टू ओबे नहीं करते, राइट? और अब देखो ये जो टू पाई जो था ये किस में चला जाएगा, फोर एन प्लस टू पाई, यानी कि ये चला गया आपका एरोमेटिक में। ओके, रिमेंबर दिस थिंग, ओके, दिस इज वॉट एरोमेटिक, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। अभी हम बात करने वाले हैं ऐसे एग्जाम्पल की जो ओबे कर रहा है फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और अभी हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा है कि फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब क्या होता है, कि दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ए एंटी एरोमेटिक, राइट? सो फोर एन कंपाउंड का मतलब होता है दीज आर एंटी एरोमेटिक। फिर एंटी एरोमेटिक में कंडीशन क्या है, सारी चीज़ें सेम है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन है, यानी कि sp2 हाइब्रिड सिस्टम है, बट दे जस्ट ओबे द फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, हकेल रूल का फोर एन पाई ओबे करते हैं, राइट? ओके, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि दे डजेंट ओबे फोर एन प्लस टू हकेल रूल, ऐसा भी आप उसके जगह मेंशन कर सकते। व्हाट आर द एग्जांपल फॉर दैट, सबसे पहला एग्जांपल लेता हूँ मैं साइक्लोब्यूटाडाइन, ये वाला, उसके बाद लेना है मुझे साइक्लोप्रोपेनिल एनायन। लुक एट दिस एग्जांपल, ठीक है? सो इसको नेगेटिव चार्ज बनाइए आप ऐसे, उसके बाद का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि साइक्लोपेंटाडाइनिल केटायन, ये एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है? या फिर हम इसको डाइइनोन ले सकते हैं आप एग्जाम्पल, लुक एट दिस एग्जाम्पल हियर, ये भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं वहाँ पे। इन सब केसेस में अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि देर इज अ फोर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। दिस इज व्हाट फोर पाई, दिस इज व्हाट वन पाई बॉन्ड वन इलेक्ट्रॉन, बेसिकली इट इज वन पाई बॉन्ड एंड वन नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे आपके पास दो पाई बॉन्ड है, अगेन बिलोंग टू फोर पाई। यहाँ पे कितने आपके पास, देखो अगेन पार्शियल चार्जेस शुड बी देयर, तो इस हिसाब से ये भी क्या हो गया आपका, फोर पाई हो गया। और ये सब कंपाउंड आपके किस में जाएंगे, एंटी एरोमेटिक में जाएंगे, बिकॉज दे हैव जस्ट फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। नाउ लेट्स कंसिडर द वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज कॉल्ड सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब क्या होता है, दीज आर सेड टू बी द एरोमेटिक। कौन है अभी ये एरोमेटिक कंपाउंड, और एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे हम करेंगे, इसमें कैसे एरोमेटिक कंपाउंड को लिखा जाएगा, या हाउ वी कैन एक्सप्लेन दैट एरोमेटिक कंपाउंड्स। नाउ लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है अगेन फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फोर एन प्लस टू पाई, साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेशन, ये तीन चीज चार चीज़ें उसमें आनी चाहिए। ओके, नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका इसमें साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन, सिक्स पाई हो गया। यू कैन टेक द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हियर, अब मैं यहाँ पे पूरे नहीं निकालता हूँ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एन एच, एक्स इज इक्वल टू ओ, एक्स इज इक्वल टू एस, ये ले सकते हैं। यू कैन ऑल्सो टेक वन मोर एग्जाम्पल एज ए बेंजीन, ठीक है? इसके बाद क्या ले सकते हैं, यू कैन हैव सम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, लेट्स से द पिरिडीन, ये हो गया आपका। वी कैन ऑल्सो टेक सम एग्जाम्पल दैट इज कॉल्ड द इमिडाजोल, ओके, लुक एट द नाइट्रोजन विच इज प्रेजेंट एट हियर, ओके, ये वाला एग्जाम्पल आप ले सकते हैं यहाँ पे, दिस इज फॉर एन एच। वन मोर एग्जाम्पल यू कैन टेक दैट इज कॉल्ड एज साइक्लोहेप्टा ट्राइनाइल केटायन, ऐसे दिस इज वॉट डबल बॉन्ड, ओके। और यू कैन ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ ट्रोपोन दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रोपोन, सो ट्रोपोन इज अ हाईली कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, लुक एट दिस एग्जाम्पल, ठीक है? ये सी हुआ। तो ये जो एग्जाम्पल हमने लिए है
या फिर आप इसको डाई एनायन भी कर सकते हो, यू कैन टेक द डाई एनायन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। इन सब एग्जांपल्स में यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं आपके, ये आ रहा है आपका 6π, दिस इज ऑल्सो वॉट 6π, ओके दिस इज वॉट 6π, हियर 6π, हियर इज ऑल्सो द 6π इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दिस इज वॉट द 6π, हियर ऑल्सो वॉट द 6π, ड्यू टू वॉट, यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे द पॉजिटिव एंड हियर विल बी द नेगेटिव, और ये भी आपका क्या होगा 6π होगा। तो इन सारे एग्जांपल्स में हम ये बता सकते हैं कि दिस ऑल एग्जांपल्स आर बिलोंग्स टू द एरोमेटिक फैमिली, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी हमारे पास जो सिस्टम है वो है 8π इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला, अभी हमने 2 से स्टार्ट किया था, अभी कौन सा देखना है आपको 8π, और 8π वाले क्या होते हैं, दे आर अगेन एंटी एरोमेटिक, दे आर अगेन एंटी। सो आपका जॉब क्या रहेगा फिर, आपका जॉब ये रहेगा कि हर एक सिस्टम में कितने मॉलिक्यूल्स आते हैं, सो जस्ट फाइंड आउट एंड पुट इट हियर, इट्स वेरी सिंपल ना। एंटी एरोमेटिक जो है ये किस में जाता है, ये 4N π में जाता है, ओके। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन अगेन इट इज़ बिलोंग टू द एंटी एरो सिस्टम ना, और इसके एग्जांपल बहुत रेयर एग्जांपल है। सबसे पहला एग्जांपल इसका ले लेते हैं अपन, साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल एनायन, लुक एट द नेगेटिव चार्ज, सो द टोटल इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी द 8, दिस इज वॉट द नेगेटिव चार्ज। वन मोर एग्जाम्पल, यू कैन टेक द COT नाउ, दैट इज कॉल्ड एज ए टप शेप मॉलिक्यूल, और टप शेप मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया, ये COT जो है ये ऐसा होता है, इट गोइंग टू बी कॉल्ड एज ए नॉन प्लेनर, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसे दिखाते हैं, लुक एट द स्ट्रक्चर हियर, नाउ दिस इज लाइक द स्ट्रक्चर नाउ, और यहां पर डबल बॉन्ड है लगा हुआ, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, दो हो गए, यहाँ पर तीसरा और यहाँ पे चौथा। सो दिस इज व्हाट द टप शेप स्ट्रक्चर विच इज इक्वालेंट टू दिस वन, जो कि नॉन प्लेनर है, राइट। सो ऐसे वाला एग्जांपल, या फिर आप बाइसाइक्लिक एक आप ले सकते हैं मॉलिक्यूल जो इस तरह से रहेगा आपका, ठीक है। लुक एट द मॉलिक्यूल हियर नाउ एंड द पोजिशन ऑफ द डबल बॉन्ड्स आर, आई विल शो द डिफरेंट कलर्स, एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, और ये चौथा यहाँ पर, इट इज ऑल्सो बिलोंग टू द 8π इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ऐसे वाले एग्जाम्पल जो है ये जाएंगे आपके एंटी एरोमेटिक में, ठीक है। अब इसके आगे का जो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जो एक एक इलेक्ट्रॉन आपका बढ़ेगा, और यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन सिस्टम आएगा अभी 10π इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और 10π किस में जाता है, 10π मतलब इट इज़ बिलोंग टू 4N+2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 4N+2 का पाई का मतलब क्या हो गया, अगेन इट इज एरोमेटिक, ठीक है, इट इज व्हाट एरोमेटिक। सो अब एरोमेटिक अगर कंपाउंड है तो फिर हमको पता है कि इट इज अ साइक्लिक प्लेनर कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन एंड 4N+2, दिस इज वेरी सिंपल। अब इसके एग्जांपल्स क्या रहेंगे आपके, 10π इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है वो पहले तो आता किस कैटेगरी में, पहले वो बताइए, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ो। अब एग्जांपल हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो एग्जांपल क्या है कि ऐसे कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होते हैं, ऐसे वाला मॉलिक्यूल मेरे पास, राइट, और मैं इनमें डबल बॉन्ड देखो कहाँ पे लगाता हूँ, एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है, और पांचवा यहाँ पर है। अब ये जो मॉलिक्यूल है, एक्चुअली ये मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री है क्या, इस मॉलिक्यूल में बेसिकली जो है यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये वाला एक, और दूसरा वाला जो हाइड्रोजन है आपका, या फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे इसको, हाँ एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, देख अब ये दो हाइड्रोजन क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन करते हैं, दैट मीन्स देर इज सम क्राउडिंग इज देयर, और जिसकी वजह से वो कंपाउंड जो है वो थोड़ा सा डिस्टेबिलिटी तरफ जाता है। अब ऐसे तो दो हाइड्रोजन नहीं रह सकते, सो दैट्स वाई क्या हो जाएगा, जो रिंग है आपकी उस रिंग के एक हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन जो है आपका नीचे चला जाएगा, और बीच में आपकी क्या रहेगी, रिंग रहेगी। अगर कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें नीचे और ऊपर का सिस्टम आता है, अप एंड डाउन आता है, तो हो गया नॉन प्लेनर, एंड ड्यू टू दैट रीजन दैट कंपाउंड शो द नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर। समझ में आ रहा है आपके, सो ये किसकी वजह से हो गया, बिकॉज ऑफ दैट टू हाइड्रोजन, ओके, और जो दो हाइड्रोजन लगे हुए उनके वजह से जो हो गया रिपल्शन हो गया, और जिसकी वजह से कंपाउंड आपका कन्वर्ट हो गया किसमें,
कन्वर्ट हो गया नॉन प्लेनर में, एंड नॉन प्लेनर का मतलब होता है कि वो हो गया आपका नॉन एरोमेटिक, राइट? सो दैट्स व्हाई. अब अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन को आपको एरोमेटिक करना है, इफ़ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट 10 पाई इलेक्ट्रॉन इनटू द एरोमेटिक सिस्टम, सो हम क्या कर सकते हैं, हम आइदर उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे आपको. फिर चेंजेस इन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, या तो आप उसका साइक्लाइजेशन कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं उसका साइक्लाइजेशन कर सकते हैं, मतलब हम उसको नैप्थलीन बना देंगे, राइट? या तो फिर आप क्या करोगे, उधर जो पोजीशन है उसमें ब्रिज हेड लगा दो. सो वी कैन ऑल्सो मेक दिस वन. ओके, सो व्हाट टू डू नाउ पर्टिकुलरली, अगर ऐसे वाला सिस्टम है और उसको हमको एरोमेटिक करना है या उसको प्लेनर करना है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है साइक्लाइजेशन, और दूसरा है आपके पास ब्रिजिंग करना. ठीक है, फिर साइक्लाइजेशन का मतलब क्या होगा कि आप जो है क्या कर रहे हैं, उसमें रिंग बना दे रहे, इधर कंटिन्यूस रिंग हो जा रही है आपकी ऐसे. सो अब आपका कंपाउंड भी हो गया प्लेनर, ठीक है, और कंपाउंड कॉन्जुगेशन में भी चला गया. दैट्स वेरी सिंपल. या तो फिर आप उसको ब्रिजिंग कर सकते हैं. ब्रिजिंग करने के लिए आपको क्या है, आपके पास एक आधा कोई हेट्रो एटम, या फिर हम उसको देख इस तरह से रहेगा ब्रिजिंग, जो दो हाइड्रोजन आपके अप एंड डाउन जो थे उनको दोनों को आपको कन्वर्ट किया, किसमें, ब्रिज में कन्वर्ट किया, और ये रहे तुम्हारे डबल बॉन्ड. कहाँ पे डबल बॉन्ड, इधर इधर, एंड व्हाट अबाउट दिस, ये, और जो आप ब्रिजिंग कर रहे हैं वो वाला कहाँ है, इधर है ऐसे, एंड हियर बाय यूजिंग दैट यू कैन कन्वर्ट्स इनटू द एरोमेटिक वन. ठीक है, सो ऐसा आप उसमें कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि जो एरोमेटिक कैरेक्टर दिखाते हैं और जिनमें कुछ अलग प्रॉपर्टी होती है. सो फर्स्ट एग्जांपल है आपका एजुलिन. एजुलिन एक ऐसा बाईसाइक्लिक मॉलिक्यूल है, यानी कि जिसमें फ्यूज्ड टाइप का बाईसाइकिल है ये, जिसमें एक रिंग होती है 7 मेंबर की और एक रिंग होती है आपकी 5 मेंबर की. लेट्स से एग्जांपल ये है 7 मेंबर की रिंग और ये रही तुम्हारी 5 मेंबर की रिंग. ठीक है, और इसको कैसे नंबरिंग करेंगे हम, या पहले पोजीशन लगा दो डबल बॉन्ड की. इधर एक है डबल बॉन्ड आपका, लुक एट दिस द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड हियर. अब ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड दो रिंग से बना हुआ है. एक है 7 मेंबर की रिंग, और एक है आपके पास 5 मेंबर की रिंग. सो आप बता सकते हैं कि 7 मेंबर रिंग की रिंग में कौन सा वाला होना चाहिए, क्योंकि 7 मेंबर की रिंग तीन होते हैं, न्यूट्रल होता है, ये दोनों रिंग न्यूट्रल भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव वाला भी हो सकता है, नेगेटिव वाला भी हो सकता है. तो जनरली क्या होता है कि 7 मेंबर की रिंग में हम लगाते हैं पॉजिटिव चार्ज, जो कि आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है, 4n प्लस 2 पाई, और यहाँ पे अगर हम नेगेटिव चार्ज लगाते हैं तो ये ओबे करता है 4n प्लस 2 पाई. तो इस हिसाब से जो है वो 7 मेंबर की रिंग में आना चाहिए पॉजिटिव चार्ज और 5 मेंबर की रिंग में आना चाहिए नेगेटिव चार्ज, और जिसकी वजह से इस कंपाउंड को डाइपोल मोमेंट होती है, राइट? सो इस हिसाब से देखा जाता है तो ये एग्जांपल जो है ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एग्जांपल है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. देर आर मेनी एग्जांपल्स आर देयर दैट इज कॉल्ड एज अ 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, है ना? अब 12 पाई किस में जाएगा, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई जो है वो जाता है आपका 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि एंटी एरोमेटिक. ओके, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होते हैं, 12 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स एंटी एरोमेटिक, दैट इज जस्ट हैव द डिफरेंस इन द हकेल रूल. ओके, बाकी सब सेम है. और इसका बेसिकली एग्जांपल अगर हम लेंगे तो ये वाला उसका एग्जांपल आप ले सकते हैं यहाँ पे. You can take this example. Now, likewise, there are 4 rings are there now. Okay? Or, look at these rings. Okay.
एंड देर इज एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज देयर लाइक दिस. अब ये जो क्राउडिंग आपकी हो रही है इनके वजह से, ठीक है. सो जो कैविटी है बेसिकली जो स्मॉल साइज है जहाँ पे रिपल्शन भी है पॉसिबल, और दैट्स वाई द कंपाउंड बिकम्स ए नॉन प्लेनर. ओके, और जिस वजह से ये सिस्टम जो है आपका जो है नॉन एरोमेटिक में जाएगा. बेसिकली 12 पाई जाते हैं किसमें, एंटी एरोमेटिक में, बट ड्यू टू दैट प्लानरिटी कंसेप्ट, फिर अगर वो प्लानरिटी नहीं है तो फिर हम उसको कन्वर्ट करते किसी और में. सो अगर आपको उसको कन्वर्ट प्लानर बनाना है तो हम उसको क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे. लेट्स लुक एट दिस एग्जाम्पल फॉर द कन्वर्जन. ये मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया. सो अगर कोई कंपाउंड नॉन प्लेनर है और उसको हमको प्लेनर करना है तो वी हैव टू कन्वर्ट. ओके, आप देखो ये कंपाउंड बराबर चला गया 12 पाई में आपका, और इस वजह से ये कंपाउंड हो गया आपका एंटी एरोमेटिक. ओके, ये कंपाउंड अगर देखा जाएगा तो ये नॉन एरोमेटिक है, और ये अगर देखा जाए तो ये दिस इज वन एंटी एरोमेटिक. ओके, सो लाइकवाइज यू कैन हैव सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू दैट. सो एनिलीन के कई सारे एग्जांपल आपके आते हैं. सो 12 के बाद 14 लो, 14 में आप बता सकते कई सारे एग्जांपल्स, ठीक है. और उसके बाद आप 16 ले लो. सो 14 का एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, 14 पाई इलेक्ट्रॉन. 14 पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये आपका 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन में जाएगा. और इसके एग्जांपल्स आप ले सकते हैं यहाँ पे किस तरह से, लुक एट दिस एग्जांपल. सो थोड़ा सा एक्सटेंशन करना पड़ेगा अभी वाले एग्जांपल को. हियर, ठीक है. सो ऐसे वाला एग्जांपल्स आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे. सो इट मस्ट बी अ कॉन्जुगेशन. ओके, सो कॉन्जुगेशन अगर बनाना पड़ेगा आपको तो यहाँ पे आएगा वो एक, इधर तो पॉसिबिलिटी नहीं है. ओके, आई विल चेंज द बॉन्ड्स. सो यहाँ पर हाँ, अब ठीक हो गए. ओके, और कहाँ पे रहेंगे चार्जेस आपके, सॉरी पाई बॉन्ड कहाँ पे रहेंगे, इधर दिस वन एंड दिस वन. सो ऐसे कुछ एग्जांपल है इन कंपाउंड्स को आप देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है. और 16 पाई इलेक्ट्रॉन का भी एग्जांपल है आपके पास. नाउ टेक द 16. सो 16 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. 16 पाई मीन्स अगेन इट इज बिलोंग टू द 4n पाई, मतलब एंटी एरोमेटिक. और उस हिसाब से इसका एग्जांपल जो है लुक एट दिस एग्जाम्पल हियर, दिस इज कॉल्ड एज एनिलीन. ओके, एंड द पोजिशंस ऑफ डबल बॉन्ड्स आर अल्टरनेट हियर. ओके, नो डाउट एट ऑल. फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, ठीक है. सो ये एग्जाम्पल जो है आपका वो 16 पाई का. फिर 18 पाई का एग्जाम्पल है, फिर आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है. चलिए अब कुछ एग्जाम्पल है आपके पास फटाफट जो टैली करना है आपको कि वेदर इट इज एरोमेटिक और नॉट. सो वेरी सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है. चलिए अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल आते हैं जिनमें मान लेते कि एक 3 मेंबर की रिंग दी गई है और एक दी है आपको कौन सी, हाँ ये वाली भी आपको एक 3 मेंबर की रिंग है. सो अगर इस कंपाउंड में आपको पूछा जाता है कि वेदर दिस कंपाउंड्स आर एरोमेटिक और वॉट एंटी एरोमेटिक, देन वॉट विल बी योर आंसर. ओके, लुक एट दिस 3 रिंग्स एंड सजेस्ट योर आंसर फॉर दैट, ठीक है. ऐसे, और पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड तो मैं देना है इसमें, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है आपका, ठीक है. ओके, नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल में बेसिकली क्या है कि दिस आर कॉल्ड एज ए फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिक सिस्टम. सो जनरली ऐसे कंपाउंड में क्या होता है कि आप इस सिस्टम को अगर आपको एरोमेटिक बनाना है तो आप क्या पॉसिबिलिटी है आपके पास, ठीक है.
वैसे देखा जाता है तो इस पे अगर हम पॉजिटिव डालेंगे तो इस पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो ओवरऑल सिस्टम आपका क्या हो रहा है, ये नॉन एरोमेटिक हो रहा है, एक एरोमेटिक हो रहा है, एक आपका एंटी एरोमेटिक हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाता है तो क्या हो जाएगा आपका, नॉन एरोमेटिक। दूसरे वाले एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा कि अगर मैं इसको पॉजिटिव देता हूँ और इसको नेगेटिव देता हूँ, सो अब क्या हो जाएगा कि ये जाएगा आपका 4n+2π में, ये भी जाएगा आपका 4n+2π में, यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाता है तो सेकंड कंपाउंड आपका क्या है, सेकंड कंपाउंड इज एन एरोमेटिक। अब बात करते हैं अपन तीसरे वाले की। तीसरे वाले में क्या हो सकता, एक तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा तो नेगेटिव इधर जाएगा, या फिर नेगेटिव हियर पॉजिटिव हियर। सो उस हिसाब से देखा जाता तो ये एरोमेटिक हो रहा है आपका, और ये वाला जो है वो क्या हो रहा है आपका, एंटी एरोमेटिक, यानी कि ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया, ठीक है। सो आपको ऐसे जो है वो आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि कंपाउंड आपका किस हिसाब से जाता है उसके अंदर, ठीक है। वन मोर प्रॉपर्टी इज देयर पर्टिकुलरली इन द एरोमेटिक सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज ए, हम उसको बोलते हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स। फिर होमो का मतलब क्या होना चाहिए, होमो एरोमेटिक, ओके। सो जनरली ऐसे कंपाउंड जो साइक्लिक हो बट जिसमें कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन जो है वो कहीं सेपरेट होता होगा एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से, मतलब कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन है बट कहीं ना कहीं जो है वो कॉन्जुगेशन रुक गया और वहाँ पे कौन आ गया, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ गया। जैसे ये वाला एग्जांपल, दिस इज व्हाट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, जो क्या करता है कॉन्जुगेशन को रोक देता है, और जिस वजह से ऐसे वाले कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, होमो एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। और उस वजह से बेसिकली क्या है, कंपाउंड के प्रॉपर्टी भी बदल जाते हैं आपके, कई सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास, राइट। सो जिन कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। सो सिंपल डेफिनेशन या सिंपल तरीका आइडेंटिफाई करने का, कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन सेपरेटेड बाय वन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, सो दैट इज गोइंग टू कॉल्ड एज ए होमो एरोमेटिक कंपाउंड। देर आर मेनी एग्जांपल्स आर देयर, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और कई सारे क्वेश्चंस इनके बेस पे हम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर कोई कंपाउंड दिए जाते हैं आपको, आइडेंटिफाई द कंपाउंड इज एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, सो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट कंपाउंड्स नाउ, ओके। और कई सारे रिएक्शन मैकेनिज्म भी होते हैं जो आपको, जैसे लेट्स से एग्जांपल, एक मॉलिक्यूल है ये वाला जहाँ पे लगा हुआ है ब्रोमीन, ओके, और एक है आपका सेम एग्जांपल 7 मेंबर रिंग का जहाँ पे लगा हुआ है ब्रोमीन। इन दोनों मॉलिक्यूल को हमने क्या किया है, इन दोनों मॉलिक्यूल को रिएक्शन की है किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, एंड यू नो द केमिस्ट्री बिहाइंड दिस, ओके। सो AgNO3, व्हाट हैपन टू दिस सिस्टम, बेसिकली क्या होता है कि Ag जो है वो AgBr बना देगा, सो इट कन्वर्ट्स इनटू द सॉल्ट, ओके। बट विच कंपाउंड रिएक्ट्स Ag विथ AgNO3 वेरी फास्टली ना, वैसे देखा जाता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव कॉन्सेप्ट आपका आएगा, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, वैसे देखा जाता है तो कंपाउंड क्या हो गया आपका, एंटी एरोमेटिक हो गया। यहाँ पे देखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, एरोमेटिक हो गया। सो दैट्स वाई जो बनने वाले जो प्रोडक्ट है आपके वो कैसे रहेंगे आपके, यहाँ पे आपको ऐसा कंपाउंड मिल रहा है जो कि एंटी एरोमेटिक है, बट यहाँ पे जो आपको कंपाउंड मिल रहा है जो कि बहुत स्टेबल है, दैट इज कॉल्ड एज ए एरोमेटिक। सो ये रिएक्शन आपकी ज़्यादातर स्पीडअप होगी, जल्दी बनेगी रिएक्शन कम्पेयर टू दी द फर्स्ट वन। तो कई सारे रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सिंपल रूल दैट इज कॉल्ड एज ए हकेल रूल। एंड वी हैव टू सम टाइम वी हैव टू ऑल्सो मैंशन द मैच द पेयर, ओके। ये कंपाउंड आपको दिए जाते हैं और उसको आपको मैच करना होता है, जैसे एग्जाम्पल ये वाला एक मॉलिक्यूल आपको है, ठीक है, देर आर सम चार्जेस ऑन टू इट, यहाँ पे लगा दिया पॉजिटिव चार्ज। एक वही एग्जाम्पल मैंने लिया है लेकिन डाई एनाइन वाला लिया है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन सिंपल सा ये वाला नाउ, और आपके पास जो ऑप्शन है वो है सबसे पहला, दिस इज व्हाट एरोमेटिक,
उसके बाद एग्जांपल लेते हैं अपन एंटी एरोमेटिक एंड अनदर दैट नॉन एरोमेटिक. नाउ जस्ट टेक एंड कंपेयर. ओके, सो अगर हम इन तीनों को देखते हैं तो क्या हो जाएगा. तो सबसे पहला जो है ओके और एक है आपके पास ऑप्शन, इसको आप बना सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड लास्ट ऑप्शन इज 4n+2π. ओके, अभी कैसे करना है इसमें. सबसे पहला वाला कंपाउंड क्या है आपका, डाई पॉजिटिव है, इसका मतलब 2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम है. सो बेसिकली इट इज बिलोंग टू 6π. सो ये हो जाएगा आपका एरोमेटिक. उसके बाद का देखो, 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन है. 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि 6 इलेक्ट्रॉन में आपका एंटी भी नहीं आता है ना नॉन आता है आपका, फिर क्या आएगा आपका, योर एग्जाम्पल शुड बी दिस 4n+2π. अब उसके बाद देखो, उसके बाद का एग्जाम्पल क्या आएगा आपका, सो दिस इज वॉट नॉन एरोमेटिक. या अब ये कौन सा बच गया आपका, ओके ये लास्ट वन शुड बी अ, इट इज 4π इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सो इट मस्ट बी अ एंटी एरोमेटिक. सो यू कैन मैच दिस कंपाउंड लाइक दिस फैशन एंड देर आर वेरियस एग्जाम्पल्स आर देयर विच आर जनरली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. ओके, वॉट टाइप ऑफ द कंपाउंड इज दिस नाउ. सो लेट से एक एग्जाम्पल है तुम्हारे पास कि अगर आपको कंपेयर करना है कि एक मैंने बेंजाइन ले लिया, बेंजाइन, यू नो द बेंजाइन मीन्स दे आर हैव द एबनॉर्मल ट्रिपल बॉन्ड. एक बेंजाइन है, एक COT है. COT का मतलब क्या होता है, साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन, ये वाला. एक एग्जाम्पल है आपका ब्यूटाडाइन, साइक्लो ब्यूटाडाइन, और एक एग्जाम्पल जो है जो अभी हमने लिया था, जो हमने ब्रिज सिस्टम बनाया उसको, ये वाला. और इसमें क्या किया गया है, ब्रिज सिस्टम कब बनाते हैं हम, ऐसे वाले. अब सिंपल सी बात है, पहला वाला कंपाउंड आपका 6π इलेक्ट्रॉन है, सो एरोमेटिक होगा, नो इश्यू एट ऑल. ठीक है, दूसरा वाला कंपाउंड जो है वो टब शेप में जाता है, इसलिए वो नॉन प्लेनर है, और नॉन प्लेनर है इसका मतलब क्या हो गया, इट मस्ट बी अ नॉन एरोमेटिक. ठीक है, पहला एरोमेटिक, दूसरा नॉन एरोमेटिक. तीसरा जो है वो है 4π इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि इट इज एंटी, अगेन वेरी सिंपल. और जो लास्ट एग्जाम्पल है वो है 10π इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और ब्रिज कार्बन की वजह से क्या है, उसको प्लेनेटी मिल गई. ओके, और एंड दैट कंपाउंड इज गोइंग टू कॉल्ड एज ए एरोमेटिक सिस्टम. सो आप कंपैरिजन कर सकते हो कंपाउंड को और बता सकते. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टिव पार्ट एंड द डिटेल्स बिहाइंड द एरोमेटिसिटी. सो वेरी इंपॉर्टेंट वन. ओके, एंड होप यू गॉट सम बेसिक कंसेप्ट एंड आइडिया रिगार्डिंग टू दिस एरोमेटिसिटी. Okay, thank you for watching this video lecture. If you got any kind of a confusion or any kind of a question, so let me know. You can put it in your chat box. Okay, so and stay safe and stay connected with us. Thank you.